नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। व्यापारी संगठनों ने मनपा से की मांग, दुकानें खुली मिली उन्हें सील कर दो। 1 मई से अनाज का वितरण बंद करने की दी चेतावनी, खुद ही मीटर रीडिंग भेज एक बिजली ग्राहक। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। व्यापारी संगठनों ने मनपा से की मांग, दुकान खुली मिले उन्हें सील कर दो। लॉकडाउन के समय में शटर ऊपर नीचे कर और पीछे के दरवाजे से दुकान शुरू कर व्यवसाय करने वाले कुछ व्यापारियों की दुकानें अब सीधे सील करने की मांग खुद व्यापारी संगठनों ने की है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि सरकार का सहयोग करने की बजाय कुछ व्यापारी दुकानें शुरू रख कर संगठनों पर कालिख पोत रहे हैं। मस्कासात, इतवारी, गांधीबाग, सीताबर्डी, खामला, कमाल चौक और जरीपटका बाजार में अनेक व्यापारी आदि दुकान खोल कर व्यवसाय कर रहे हैं। प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की दुकान को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें 30 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। किराना दुकान, डेयरी, सब्जी फल विक्रेताओं के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक दुकानें शुरू रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन अनेक व्यापारी आदेश का उल्लंघन कर 11 बजे के बाद भी दुकानें शुरू रखते हैं। कमाल चौक में अनेक दुकानदार शटर बंद कर बाहर माल रख कर बेच रहे हैं। मानेवाड़ा रोड पर यह स्थिति है। इतवारी के अधिकांश किराना दुकानदार पीछे के दरवाजे से व्यापार कर रहे हैं, इसलिए यह हमेशा भीड़ रहती है। गलियों में कार्रवाई नहीं होने के कारण दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। मालिक दुकान के सामने बैठकर बिक्री कर रहा है। व्यापारी संगठन के पद अधिकारियों का कहना है कि ऐसे दुकानदारों पर सिर्फ जुर्माना न लगते हुए सीधी उनकी दुकानों को सील करने की जरूरत है। तो वही दूसरी ओर 1 मई से अनाज का वितरण बंद करने की दी चेतावनी। राशन दुकानदारों ने सवाल किया है कि राज्य शासन की सेवा के दौरान जान गंवाने वाले राशन दुकानदारों को शासन कुछ नहीं दे रहा होगा, तो जान जोखिम में डालकर शासन के काम क्यों करे। पास मशीन से बढ़ते संक्रमण के कारण पास मशीन के नॉमिनी दुकानदारों को देने की मांग राशन दुकानदारों ने की है। उन्होंने वितरण बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया है। केंद्र शासन के नियम अनुसार कोई भी व्यक्ति अन्न से वंचित न रहे, इसलिए शासन के नियमों का पालन करते हुए अनाज वितरण जारी है। कोविड काल में राशन दुकानदारों के कारण अनेक परिवारों पर भूखे मरने की नौबत नहीं आई। यह सेवा देते हुए साल 2020 तक राज्य में सैकड़ों राशन दुकानदारों की कोविड की वजह से मौत हो गई। इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर दुकानदार संक्रमित पाए गए हैं। जिले में भी पिछले 4 महीने में 8 से 10 राशन दुकानदार जान गंवा चुके हैं। शासन की तरफ से सुरक्षा के तौर पर कोई मदद नहीं मिली। तो वही तीसरी ओर खुद ही मीटर रीडिंग भेजे बिजली ग्राहक। बढ़ते कोविड संक्रमण के चलते महावितरण की मीटर रीडिंग एवं बिल बांटने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। ऐसे में कंपनी ने ग्राहकों से खुद अपने मीटर की रीडिंग देने की अपील की है। इसके लिए ग्राहकों को महीने में 4 दिन दिए गए हैं। कंपनी का कहना है, जरूरी सेवा होने से बिजली वितरण से जुड़े कार्य और मीटर रीडिंग लेने व बिल बांटने की अनुमति है, लेकिन कई क्षेत्र एवं सोसाइटी संक्रमण से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने से इन क्षेत्रों में मीटर रीडिंग लेना संभव नहीं हो रहा। ऐसे क्षेत्रों के ग्राहकों से कंपनी ने मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए मीटर रीडिंग भेजने की अपील की है। कंपनी ने कहा कि केंद्रीयकृत बिल प्रणाली आरंभ होने के बाद हर महीने की 1 से 25 तारीख के बीच लघु दाब बिजली ग्राहकों से मीटर की फोटो रीडिंग ले जा रही है। इसी तारीख के साथ साथ मीटर क्रमांक बिजली बिल पर लिखा रहता है। इस तारीख के 1 दिन पहले कंपनी SMS के माध्यम से रीडिंग भेजने का संदेश भेजेगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।